जब कभी भी आपसे एन इनिशियल से शुरू होने वाले शातिर लोगों का नाम पूछा जाए तो इन दोनों का नाम हमेशा याद रखना। एक है नटवरलाल और दूसरा है नॉस्ट्रेडमस। अब नटवरलाल का नाम आप लोगों ने नहीं सुना तो यार कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये भारत का रहने वाला सबसे बड़ा कॉनमैन था और पुलिस आज तक इसे नहीं पकड़ पाई। और मैं इसकी बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नटवरलाल अपने आप में यूनिक पीस था। मतलब यार इसने ताजमहल और लाल किला जैसी कई सरकारी धरोहरों को बेच दिया, और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार। मतलब सोचने वाली बात है कि कोई इतना दिमाग वाला कैसे हो सकता है, या फिर खरीदने वाले ही बेवकूफ हो जाते हैं। खैर जो भी हो, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये सब इतिहास में दर्ज है। वैसे अगर आपको नटवरलाल पर वीडियो चाहिए कि आखिर कैसे उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन सबको बेचा, तो इस वीडियो में 30 कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगी। खैर आज हम नटवरलाल की नहीं बल्कि नॉस्ट्रेडमस की बात करेंगे। शुरुआत में मैंने नॉस्ट्रेडमस को शातिर कहा था। अगर आपको इसकी वजह नहीं पता तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा। खैर हम सब नॉस्ट्रेडमस को अच्छे से जानते हैं। वो अपने भविष्यवाणी के लिए प्रचलित है। उनकी 70% से ज्यादा भविष्यवाणी सच हुई है, चाहे हिटलर हो, लुईस पाश्चर डिस्कवरी, ग्रेट फायर ऑफ लंदन या कुछ और। और इन प्रिडिक्शंस की गिनती खत्म नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं जो सच भी हुई है। पर फिलहाल हम जानेंगे कैसे जो व्यक्ति 1566 में ऑलरेडी मर चुका है उसकी इतनी सारी भविष्यवाणियां सच होते जा रही है। क्या नॉस्ट्रेडमस कोई भगवान थे, या इनके पास सही में ऐसी कोई शक्ति थी जिससे ये भविष्य को देख सकते थे? और आखिर क्यों नॉस्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों को, यानी कि प्रिडिक्शंस को, पोएटिक क्वाड्रेंट्स में लिखते थे? मतलब यार क्लियर भी तो लिख सकते थे ना, पर पोएटिक क्वाड्रेंट्स यानी कि चौपाइयों में लिखने की आखिर क्या जरूरत थी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। भविष्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। बस फर्क इतना सा है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं और जिसको हम एक अथॉरिटी मानते हैं, अगर वो हमें भविष्य के बारे में कुछ बताए तो हम उन पर इजिली विश्वास कर लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पीके वाले तपस्वी, इलॉन मस्क या दरगाह वाले बाबा। सीधा कहूं तो हम भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं जानते, इसलिए हम इजिली किसी के कुछ बताने पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर उनकी बातें लकीली सच हो जाती हैं, तो हमारा ये भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ ऐसा ही करके नॉस्ट्रेडमस आज भी जिंदा है। सोचने वाली बात है कि 1566 में किसे पता होगा कि हिटलर जन्म लेगा, या कोई चांद पर जाएगा, या फिर कोई वैक्सीन बनेगा। ऑब्वियसली किसी को नहीं, लेकिन नॉस्ट्रेडमस ने मैजिकली अपनी भविष्यवाणी में इन सब का जिक्र किया है। अब मैं थोड़ा ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे नॉस्ट्रेडमस के 70% प्रेडिक्शन सच हुए हैं और क्यों मैं उन्हें इतिहास का सबसे शातिर इंसान मानता हूँ। अगर आपने मेरी इससे पहली वाली नॉस्ट्रेडमस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि नॉस्ट्रेडमस ने अपने हिटलर और लुईस पाश्चर डिस्कवरी के प्रेडिक्शन को किस तरह से अपनी किताब में मेंशन किया है। आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लेना। खैर नॉस्ट्रेडमस ने हिटलर वाले प्रेडिक्शन में लिखा था, From the depth of the west of Europe, a young child will born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop, his fame will increase towards the realm of the east. And beast faces with hunger will cross the river. The greater part of the battlefield will be against Hister. Into a cage of iron will the great one be drawn when the child of Germany observes nothing. अब आप इसमें देख सकते हो कि कहीं भी हिटलर का नाम क्लियरली यूज नहीं हुआ है, ना इसमें ये बताया गया है कि उसका जन्म कब होगा, और ना ही ये कि वो कितनी जान लेगा। पर इसके बावजूद सिर्फ कुछ हिंट के कारण और हिटलर की जगह हिस्टर मेंशन होने के कारण हम इसे कहीं ना कहीं हिटलर से जोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि नॉस्ट्रेडमस ने कुछ प्रिडिक्ट किया है। इसके अलावा ग्रेट फायर ऑफ लंदन में भी नॉस्ट्रेडमस ने बहुत कुछ लिख दिया, पर एग्जैक्ट डिटेल कहीं भी मेंशन नहीं है। और ऐसा उनकी लगभग सभी प्रिडिक्शन के साथ है। वो अपने क्वाड्रेंट्स यानी कि चौपाइयों में इंसिडेंट को प्रेडिक्ट कर चुके हैं, पर किसी को प्रेडिक्शंस का एग्जैक्ट आंसर और डिटेल नहीं मालूम है, जिस वजह से हम उस प्रेडिक्शन के अराउंड पॉसिबिलिटीज और ओपिनियंस को फॉर्म करने लगते हैं और किसी इंसिडेंट के साथ उसको अटैच करके देखने लगते हैं। और इन्हीं सब कारणों से नॉस्ट्रेडमस मेरे नजर में इतिहास के सबसे शातिर इंसान है। वहीं इसके अलावा कुछ लोग उनके पोएटिक स्टाइल में प्रेडिक्शंस को प्रेजेंट करना उनकी मजबूरी बताते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग नॉस्ट्रेडमस के प्रेडिक्शन को पोएट्री की तरह लिखने की वजह उनकी लाइफ की एक इंसिडेंट है, जिसके बाद प्रेडिक्शंस को पोएट्री स्टाइल में लिखना उनकी स्ट्रेंथ बन गई। देखो नॉस्ट्रेडमस का जन्म 1503 में हुआ था, पर 20-22 साल की उम्र से ही वो फ्यूचर बताने लग गए थे और उन्होंने कई छोटी छोटी भविष्यवाणियां भी की, जैसे कि मौसम कैसा रहेगा। एक एलमैनक लिखा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि फ्रांस की महारानी ने अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए नॉस्ट्रेडमस को अपने पास बुलाया।
अब चूंकि नॉस्ट्रेमस को ये बात पता थी कि रानी के दोनों बच्चे बचपन में ही मर जाएंगे, और तब उन्हें लगा कि अगर वो ये बात रानी को सीधा सीधा बताते हैं तो शायद रानी गुस्सा हो जाए और उन्हें सजा दे दे। इसलिए ही उन्होंने इससे बचने का तरीका निकाला और इस बात को पोएटिक और पहेली के अंदाज में बताया, जिसका मतलब रानी को समझ में नहीं आया और उन्हें गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने अपनी बात भी कह दी। और इसी के बाद से नॉस्ट्रेमस ने तय कर लिया कि वो अपनी भविष्यवाणी ऐसे ही पोएटिक तरीके से करेंगे जिससे किसी को उनकी बात समझ में भी ना आए और किसी को उससे ठेस भी ना पहुंचे, और इन सब के साथ वो अपनी भविष्यवाणी भी कर दे, जिस कारण से आज हम इनके प्रेडिक्शंस को अपने अकॉर्डिंग किसी इवेंट से रिलेट करते हैं। जैसा कि वी ऑल नो, नॉस्ट्रेडमस ने साल 1500 से लेकर 3797 तक की प्रेडिक्शंस को अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में मेंशन किया है, पर उन्हें मैं शातिर और जीनियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार बंदे ने अपने प्रेडिक्शंस के डेट को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि ये प्रेडिक्शंस किस वक्त के लिए है। मतलब ईयर तक तो बता ही सकते थे ना, लेकिन नहीं, और जिस वजह से ना सिर्फ आज बल्कि 3797 तक ऐसे कई इवेंट होंगे जिसमें हम इनकी प्रेडिक्शंस को रिलेट कर रहे होंगे। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि इन्होंने कोई प्रेडिक्शंस करी है, इन्होंने रैंडम चीजें बताई हैं जो कभी भी सच हो सकती है। जैसे कि अभी मैं कह दूं कि हम टाइम ट्रैवल करेंगे, अब देखो नो वन नोस कि हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, पर रैंडम चीजों को बोलने में हमारा क्या जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह नॉस्ट्रेडमस ने अपनी बातों को क्वार्टर्स के तरीके से फॉर्म किया और एक ऐसे टाइम फ्रेम के लिए सेट कर दिया जो काफी ज्यादा बड़ी है। देखो व्हेन आई से कि नॉस्ट्रेडमस ने प्रेडिक्शंस नहीं किए हैं, दैट डजंट मीन कि वो कर सकते नहीं होंगे। इसे ऐसे समझो, मे बी वो प्रेडिक्शंस कर सकते भी हो, मे बी नॉट, पर जो भी हो कहना पड़ेगा कि अपनी बातों को पोएटिक तरीके से फॉर्म करने के लिए भी तो टैलेंट चाहिए। So undoubtedly he was a genius, जो कब का चले गए पर 3797 साल तक उनके predictions valid होंगे और हमारे बीच मौजूद होंगे। अब यहाँ तक देख ही लिया है तो I did it comment कर देना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नॉस्ट्रेडमस सही में फ्यूचर देख सकते थे या फिर ये कुछ भी बोलकर चले गए? जो बात है इतनी बड़े टाइम फ्रेम में कभी भी सच हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे predictions पर तो हमने काफी बात कर ली, पर आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? So, अगर आपको आफ्टर लाइफ के बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन में फीचर लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। बाय।